ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब की सभी 117 सीटों पर एक चरण में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन मतदान के पाँच दिन पहले की राजनीति को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा जारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि सारी पार्टियां एक साथ अरविंद केजरीवाल के ऊपर टूट पड़ी है। राजनीतिक दलों का तो ठीक है, लेकिन पुराने दोस्त कविराज ने घातक बयान देकर जबरदस्त तरीके से घेरा है। इस बयान से केजरीवाल को निपटाने की गंभीरता इस बात से ही समझी जा सकती है कि इस बयान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का हैरान करने वाला कोऑर्डिनेटेड अटैक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हुआ। वहीं पंजाब में एक और नेगेटिव भी चल पड़ा है कि अगर 14 फरवरी को मतदान हो जाता तो आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन अब उसकी संभावना कमजोर हो गई है। कहा जा रहा है कि 14 फरवरी के बाद का समय कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने वाला रहा। यह एक गंभीर मुद्दा है कि ऐसा भी क्या हुआ कि सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल पर हमला करने लगी। यहां आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले एक महीने से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन पहले प्रचार में उनको लेकर निजी हमला नहीं किया गया। वहीं जिस दिन उनका परिवार प्रचार में उतरा और उनकी पत्नी व बेटी भगवंत मान के प्रचार के लिए धूरी पहुंचे, उसके अगले दिन से कई तरह के प्रचार शुरू हो गए। यह भी कहा जाने लगा कि केजरीवाल अपने पत्नी को राजनीति में ला रहे हैं और अगर पंजाब में जीते तो वे अपने पत्नी को दिल्ली या पंजाब का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के पुराने मित्र और आम आदमी पार्टी के संस्थापक कविराज कुमार विश्वास ने उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया और साथ ही उनके खालिस्तान समर्थक होने, आतंकवादी संगठनों के लोगों से मिलने जुलने और भविष्य में स्वतंत्र खालिस्तानी पंजाब का प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने का आरोप लगाया। इसके बाद हमले का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सब ने एक स्वर में उनके ऊपर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा कि केजरीवाल के करीबी दोस्त जो आरोप लगा रहे हैं वह बहुत खतरनाक और चिंताजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक कदम आगे निकल गए और कहा कि सिख फॉर जस्टिस के साथ केजरीवाल के संबंधों की जांच कराई जाएगी। हालांकि यह जांच होगी या नहीं यह बात की बात है, लेकिन अभी इससे माहौल बदलने का प्रयास हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता कुमार विश्वास के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी उनका जिक्र करते हुए केजरीवाल से पूछा कि वे उनके आरोपों का हाँ या ना में जवाब दें। इस बीच केजरीवाल के एक और पुराने साथी पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी सामने आए और केजरीवाल पर हिंदू ध्रुवीकरण के प्रयास का आरोप लगाया। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक हिंदू व्यापारी उनसे मिलने आया जिसने कहा कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर जो विवाद हुआ उसमें हिंदू व्यापारी बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसे लेकर धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाए। ऐसे में 14 फरवरी के बाद पंजाब की सियासत में तेजी से हुए इस सभी घटनाक्रमों को देखते हुए सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत रही है, जिससे घबराकर सारी पार्टियां एक हो गई है और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।